इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए दो समीकरण हैं और दोनों रूट वाला हैं। पहला सिंपल समीकरण है और दूसरा भिन्न के रूप में है। इन दोनों समीकरण को हम बनाकर सीखेंगे कि जब इस तरह से रूट वाला समीकरण रहता है, चाहे सिंपल रूप में हो या फिर भिन्न के रूप में हो, तो उसे किस तरह से बनाया जाता है और वो भी सबसे आसान तरीका से। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों समीकरण को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल समीकरण है उसको हम बनाते हैं, उसके बाद हम भिन्न वाले समीकरण को बनाएंगे। तो देखिए इस समीकरण में करना क्या है, इसमें हमें एक्स का मान मालूम करना है कि एक्स का मान कितना होगा। तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, या तो या लिखा जाता है इस तरह से हिंदी में, या फिर इस तरह से चिन्ह दिया जाता है। तो हम इस तरह से चिन्ह दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह है ना, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए क्या यह जुड़ पाएगा या नहीं, पहले आप वह समझिए। तो देखिए रूट के जोड़ का नियम होता है कि जब रूट के अंदर वाला संख्या दोनों समान रहता है तो बाहर वाला संख्या जुट जाता है, या फिर जब रूट के अंदर वाला संख्या दोनों समान रहता है तभी वह संख्या जुट पाता है। तो यहाँ पर भी देखिए रूट के अंदर एक्स है और यहाँ पर भी रूट के अंदर एक्स है, इसलिए यह दोनों जुट जाएगा। यदि दोनों में रूट के अंदर अलग अलग संख्या रहता तो यह नहीं जुटता। कहने का मतलब कि रूट के बाहर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, रूट के अंदर वाली संख्या एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में रूट के अंदर एक्स है तो इसलिए यह दोनों जुट जाएगा। तो देखिए हम 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। उसके बाद यह रूट है ना, तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे रूट एक्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बराबर क्या है, 36 है तो 36। अब इसी को हमें हल करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर केवल एक्स का मान मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे रूट एक्स को इधर ही रहने देते हैं। उसके बाद यह जो 9 है ना, इसको उस पार हम भेज देते हैं। तो यहाँ पर है 36 पहले से, और यह जो 9 है ना इसके साथ गुणा में है। यहाँ पर समझिएगा जरा, यह है इस तरह से 9 गुणे रूट एक्स, इस तरह से है गुणा में। तो समीकरण बनाने का नियम होता है कि जब कोई भी संख्या बराबर की इस पार से उस पार जाता है तो उसका मान इस तरह से बदलता है। देखिए जोड़ जो रहता है ना बराबर के उस पार जाता है तो घटाव बन जाता है, घटाव जो रहता है बराबर के उस पार जाता है तो जोड़ बन जाता है, और गुणा जो रहता है बराबर के उस पार जाता है तो भागा बन जाता है, और भागा जो रहता है बराबर के उस पार जाता है तो गुणा बन जाता है। तो यहाँ पर यह 9 गुणा में है ना, तो बराबर के इस पार आएगा तो यह भागा में हो जाएगा, यह नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको कटा दीजिए, कटेगा तो देखिए 9 के पहाड़ा में 36 जो है 4 बार में है, तो यह 4 बार में कट गया। तब यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा है रूट एक्स बराबर 4। अब इस पर से हम रूट हटा देते हैं, तो देखिए इस पर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4 के पावर 2। देखिए यहाँ पर रूट का एक नियम होता है कि जब किसी भी संख्या पर से रूट हटता है तो बराबर के बाद वाली संख्या का पावर 2 हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए यदि यहाँ पर रहता इस तरह से रूट 3 रहता, बराबर में करके 4 रहता, या बराबर में करके 5 रहता, कुछ भी रहता, तो यहाँ से यदि हम रूट को हटाते ना तो यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाता, इस तरह से हो जाता। और यह उल्टा भी काम करता है, उल्टा से कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी भी संख्या का पावर 2 है और बराबर में मान लीजिए एक्स है या कुछ भी है, तो इस पर से हम पावर 2 को हटाएंगे ना तो यह हो जाएगा 5 बराबर, यह रूट के अंदर आ जाएगा। तो यह उल्टा और सीधा यह दोनों तरह से काम करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक्स पर से जब हमने रूट को हटाया है तो बराबर के बाद वाली संख्या पर पावर 2 हो गया है, तब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4×16 हो जाएगा, और यही हो गया इसका राइट आंसर। इस तरह से रूट वाले समीकरण को बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। अब हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो यह जो समीकरण है ना, यह भिन्न के रूप में है। तो देखिए भिन्न के रूप में है तो इसको देखकर आप घबराइएगा मत। देखिए जिस तरह से सिंपल भिन्न का जोड़ बनाया जाता है ना, उसी तरह से इसको हमें बना देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे में 2 और 4 हैं तो इसका हम लघुतम निकालेंगे। तो इसका लघुतम निकालेंगे तो यह आएगा 4। अब करना क्या है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 4 आता है। तो 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है, तो इसलिए हम 2 में
और इसके ऊपर जो संख्या है उसमें गुणा करा देंगे। तो इसके ऊपर है रूट एक्स, तो इसमें हम गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 2√x। इस तरह से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद यह 4 है और यह भी 4 है, तो 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में आता है, तो इसलिए हम एक में और रूट एक्स में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा रूट एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट एक्स बराबर में 3 है तो 3। अब देखिए क्या करना है, पहले वाले समीकरण में मैंने आपको बताया था कि जब रूट के अंदर एक ही संख्या रहता है तो रूट वाली संख्या जुट जाती है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से है, इसलिए यह दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2√x है और यहाँ पर एक रूट एक्स है, ठीक। तो 2√x और एक रूट एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3√x बट्टा में 4 बराबर 3। अब क्या करना है, तो तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। तो देखिए हम मान सकते हैं कि इसके नीचे एक है, क्योंकि एक में हम 3 से भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो देखिए तिरछा तिरछी से कहने का मतलब कि हम इसमें इससे गुणा कराएंगे और इसमें इससे, तो देखिए हम इसमें एक से गुणा कराएंगे तो यही हो जाएगा, उसके बाद हम 4 में 3 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 12, ठीक। अब क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो हम रूट एक्स को इधर ही रहने देंगे, उसके बाद इस 3 को उस पार भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह नीचे में आ जाएगा, तो 3 × 4 = 12, तो यह हो जाएगा देखिए क्या, रूट एक्स बराबर, इसको मैं मिटकार देता हूँ, यहाँ पर समझिए हो गया 4, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा क्या, 4^2, क्योंकि रूट जब हटता है तो बराबर के बाद वाली संख्या पर पावर 2 हो जाता है, तो इसलिए हो जाएगा 1 = यह क्या हो जाएगा, 4^2 = 16, और यही आ गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से रूट वाले समीकरण को बहुत ही आसानी से हल किया जाता है।